जी जनाब, ये जो फिश आप देख रहे हैं, ये नहीं गोल्ड फिश नहीं, पीछे जो छोटी ऐसी बारीक सी फिश है जो नीचे बैठी हुई है, इसको डॉक्टर फिश भी कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम गारा रफा है। ये एक हमारी तो लोकल फिश है, लेकिन इसको जो हम इस्तेमाल करते हैं एक्वेरियम में, वो होता है कि ये एल्जी ईटर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत अच्छी एल्जी ईटर है, डेट्राइटिवोर है। डेट्राइटिवोर कहते हैं कि जो एक्वेरियम के बेस पे या किसी भी पॉन्ड के बेस के ऊपर जो चीज़ गिरती है उसको डेट्राइटस कहते हैं। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि इसका जो मुंह है बिल्कुल इसके नीचे की तरफ मुंह है, और ये मछली जो है एक्वेरियम के अंदर बहुत अच्छी एल्जी ईटर है। बल्कि ये अगर हम कहें कि ये इन प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी एल्जी ईटर है तो दुरुस्त होगा। डेट्राइटोवोर मैं बता देता हूँ कि डेट्राइटोवोर जो होते हैं वो एक्वेरियम के बेस में या सब्सट्रेट से खाना खाने वाले मछली को, ये जानवर को कहते हैं। मछलियों के अंदर जो होते हैं, जो कि बिल्कुल सरफेस से खाना खाते हैं, वो उनका मुंह इस तरह से होता है। कुछ मछलियाँ जो होती हैं जो सामने से खाना खाती हैं, उनका मुंह ऐसे होता है। कुछ का मछलियों का मुंह थोड़ा सा नीचे होता है, कुछ का बिल्कुल ऐसे होता है। इनका बिल्कुल ऐसे होता है, वो नीचे से बिल्कुल ज़मीन से या सब्सट्रेट से खाना खाती हैं। जिनका ऐसे होता है वो सामने से और नीचे से खाना खाती हैं। जिनका इस तरह मुंह होता है वो बिल्कुल सामने से खाना खाती हैं, और जिनका मुंह इस तरह होता है वो सरफेस से खाना खाती हैं और ज़्यादा सरफेस ड्वेलिंग होती है। तो ये एक ख़ास बात है। दूसरा, डॉक्टर फिश जो है वो हमारे एक्वेरियम के अंदर सफाई के लिए एक बेहतरीन मछली है। ये जिस तरह देख ही रहे हैं, ये मेरे पास डॉक्टर फिश दो थी, एक फौत हो गई, मर गई, एक रह गई। और इसके अलावा ये ब्यूटी इंडस्ट्री में आमतौर पे गारा रफा या डॉक्टर फिश को इस्तेमाल किया जाता है जनाब, फिश स्पा ट्रीटमेंट और फुट ट्रीटमेंट के लिए, जहाँ पे क्लाइंट का पैर एक्वेरियम में डाला जाता है जिसमें सैकड़ों के हिसाब से गारा रफा मौजूद होती है, जो कि पैर के ऊपर से डेड स्किन खा के तो उसको साफ़ कर लेती हैं। लेकिन एक्वेरियम के अंदर ये मछली बेहतरीन मछली है, और ये एक्वेरियम के अंदर सफाई के लिए, ख़ास तौर एलजी की सफाई के लिए और एलजी को एट बे रखने के लिए बहुत अच्छी फिश है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और इसको हमारा जो लोकल नाम है, हम लोग इसको सुआ मच्छी भी कहते हैं। और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो लेंथ है वो 4 से 5 इंच होती है। और दूसरी इसकी ख़ास बात यह है कि ये एक स्प्रिंटर मछली है, यानी कि तेज़ी से भागने वाली मछली है, लिहाजा इसको आसानी से नहीं पकड़ा जा सकता। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। डीकेएस फॉलो ज़रूर देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।